ओम भूर भूर स्वा तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं और साथ में आपको बताने लगा हूं ये गायत्री मंत्र से होगा क्या। आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें देश में स्वदेशी की क्रांति लानी है, हमें लोकल के लिए वोकल बनना है, हमें पूरा देश के अंदर बढ़ावा देना है अपनी स्वदेशी को, हमें अपने देश की चीजों को इस्तेमाल करना है, तो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट भी होना चाहिए। पहले इस वीडियो को देखिए। गायत्री मंत्र पर एम्स की रिसर्च भी यही पुष्टि कर रही है। एम्स वर्ष 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहा है। सबसे पहले एम्स के डॉक्टर्स ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर यह प्रयोग किया था और 9 महीने तक यह रिसर्च की गई और इसके बाद 5 वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया। दिमाग के इस हिस्से को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक रहना। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप ने 3 महीनों तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का मन में पाठ किया और दूसरे ग्रुप ने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल्स तेजी से बढ़ने लगे। इसी तरह का एक केमिकल है गाबा। इस केमिकल के कम होने पर नींद नहीं आती और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे ही हफ्ते में शरीर में गाबा केमिकल तेजी से बढ़ने लगा और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले अधिक हो गई। 5 हफ्तों तक किए गए MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से ये नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। अपने इस शुरुआती रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। एम्स का ये शोध अब भी जारी है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। तो देखा आपने जी न्यूज की इस वीडियो के खुलासे में कि इस मंत्र से हमारे ब्रेन की शक्ति बढ़ती है, हमारे ब्रेन में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन का रसायन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का रिलीज कम होता है। तो अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, इस देश को आगे लेकर जाना है, तो इस वक्त सबसे बड़ी मदद हमारा दिमाग करेगा और दिमाग को इंप्रूव करने में, दिमाग को बेहतर होने में ये गायत्री मंत्र काम करेगा। तो इस वक्त नियम बना ले खुद और पूरे परिवार को गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाने की, और आप हाथ धोते टाइम, किचन में खाना पकाते टाइम, कोई भी काम करते टाइम बीच में एक नियम बना लो, गायत्री मंत्र मुझे रोज के 5, 11, 21, 51 या 108 बार पढ़ना है। होगा क्या, पूरे देश में क्रांति फैलेगी, भारत की सृष्टि, भारत की प्रकृति, भारत देश सात्विक होगा और यहां से ऊर्जाएं उठेंगी, पूरे भारत को हम विश्व गुरु बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, गायत्री मंत्र पढ़ने से आपका दिमाग डेवलप होगा और दिमाग डेवलप हो गया तो इस दिमाग में कोई आइडिया आ गया तो हो सकता है आप न्यूटन या एडिसन या कोई ऐसा आविष्कार कर दें या कोई भारत में ऐसी कोई नई खोज कर दें जिससे इस देश को हजारों करोड़ का लाभ हो। तो एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को, इस सनातन संस्कृति के मंत्र को जो कि हमारे वेदों से हमें मिला है पूरे भारत के जन जन तक फैलाएं। इस वीडियो को विद इन 7 डेज हमें हर मोबाइल में पहुंचाना है ताकि हर भारतीय गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दे।